बड़ी खबर वाराणसी से आपको बता रहे हैं, जहां बस में अचानक आग लगने से मचा हड़कंप। लखनऊ वॉल्वो बस में लगी आग, वाराणसी से बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, संदिग्ध परिस्थितियों में लखनऊ वॉल्वो बस में लगी आग। आपको बता दें, किसी यात्री के हताहत होने की खबर नहीं है। वाराणसी से इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, लखनऊ वॉल्वो बस में संदिग्ध परिस्थितियों में आग लगी है, वहीं किसी के हताहत होने की खबर नहीं है। इस तस्वीरों में आप साफ तौर पर देख सकते हैं किस तरह से धू धू कर बस जल रही है। संदिग्ध परिस्थितियों में लखनऊ वॉल्वो बस में आग लग गई है। वाराणसी से बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, तस्वीरों में आप देख सकते हैं किस तरह से धू धू कर बस जल रही है। वहीं कारणों का भी नहीं पता चल सका है। संदिग्ध परिस्थितियों में बस में अचानक आग लग गई है, जिससे हड़कंप मच गया। वॉल्वो बस में ये आग लगी है। संवाददाता विकास गौड़ फोन लाइन पर हमारे साथ जुड़ गए हैं। जी विकास, कैसे लगी है बस में आग? देखिए, जहां तक पता चल पाया अभी तक कि जो ये लखनऊ की बस थी, वॉल्वो यहाँ खड़ी थी लखनऊ जाने के लिए, पूर्वांचल राज्य की मांग को लेकर वंदना रघुवंशी जो काफी दिनों से मामला अनशन पे थी, जैसा कि सूचना आ रही है, सिकरा पुलिस ने उनको गिरफ्त में लिया है कि उन्होंने ही बस में आग लगाई है। लगातार वो पूर्वांचल राज्य की मांग कर रही थी, कहीं ना कहीं सरकार उनकी बातों को नहीं सुन रहा था, तो इस बार ये हिंसक रवैया उन्होंने अपनाया है और वाराणसी की एक बस में आग लगाया उन्होंने। जी, तो पुलिस क्या कार्रवाई कर रही है? देखिए, अगर पुलिस की बात की जाए तो पुलिस उस महिला को थाने ले गई है और उनसे पूछताछ जारी है लगातार कि उन्होंने क्यों इस पर आग लगाई है। आपको बताना चाहूंगी, वो महिला साफ तौर पर कहते कि मैं पूर्वांचल राज्य की मांग कर रही हूँ, उसी को लेके आज हमने बस में आग लगाया है और जो भी कार्रवाई पुलिस को करनी है वो मेरे प्रति कर सकती है। जी विकास, जानकारी देने के लिए धन्यवाद आपका। तो वॉल्वो बस में आग लगने से हड़कंप मच गया है।